हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। अधीनगी में रहें, जैसा कि रूत की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 16 आयत में लिखा, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता के अधीन रहो, जो आपके अगुए ठहराए गए हैं उनके अधीन रहो, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह छोटे थे तो वह भी अपने माता पिता के अधीन रहते थे, और अधीनगी में रहना आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम बाइबल में रूत की किताब में रूत के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि जब रूत का पति मर गया, उसका ससुर उसका जेठ मर गया, तो उसकी जेठानी अपनी सास को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। तो रूत की सास ने उससे कहा कि तू भी अपने घर लौट जा, लेकिन रूत ने अपनी सास की बात नहीं मानी और उसने कहा कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। वह परमेश्वर और अपनी सास के अधीन रही। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि रूत का सब कुछ खत्म होने के बाद वह जिस खेत में काम करती थी, परमेश्वर ने उसको उसी खेत की मालकिन बनाया। ये इसलिए हुआ कि वह परमेश्वर और अपनी सास के अधीन थी और उसने अधीनगी में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। याद रखें, अधीनगी में रहना आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग आशीष तो लेना चाहते हैं लेकिन अधीनगी में रहना नहीं चाहते। वह अपने माता पिता की अपने अगुए की अधीनगी में नहीं रहना चाहते और यही कारण है कि वह अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, क्योंकि अधीनगी आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जाती है। जिस प्रकार रूत परमेश्वर की अधीनगी में रही और इस कारण उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, जब आप अधीनगी में रहते हैं तब आप जिस चीज के लिए बहुत समय से संघर्ष कर रहे होते हैं वह आपको अधीनगी में रहने से मिल जाती है। इसलिए परमेश्वर के अपने अगुए के अपने माता पिता के अधीन रहे, जैसे रूत अपनी सास के और एस्तर अपने भाई के अधीन रही। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें या सुनें, वे अपने अगुए अपने माता पिता के अधीन रहें और अपना जीवन अधीनगी में व्यतीत करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।